Hey guys, welcome to my channel That Glam Girl. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टीनेज स्किन केयर रूटीन, यानी कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स ओनली अंडर ₹100. सो गाइज, आप लोगों ने मुझसे ये वीडियो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊँ, जो आप लगाएं आपके फेस पर ग्लो भी आए, वो इफेक्टिव भी हो, बट उनका प्राइस थोड़ा कम हो. सो मैं मार्केट में गई, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया. सो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं जैसे कि फेस वॉश, स्क्रब, ऑल्सो क्रीम, ये सब चीजें मैंने ली हैं, बट वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अंडर ₹100 हैं आप लोगों के लिए. सो जो टीनेज गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, वो सब ये स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर आप किसी भी एज के हैं, आप ये स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करें. अगर आप ये स्किन केयर रूटीन 1 वीक तक ही फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें अपनी स्किन में फर्क दिखेगा. इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स गाइज. तो चलिए वीडियो में मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को जब सुबह हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, हमें यूज करना चाहिए फेस वॉश. फेस वॉश के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आस्था बेरी वाइन फेस वॉश. इससे जो है आपकी स्किन है उसका मॉइस्चराइजेशन इम्प्रूव होगा, और जो आपकी स्किन है वो फर्म होगी. यानी कि ये फेस वॉश आपकी स्किन को ग्लोइंग तो बनाएगा, बट उसके अलावा आपकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है वो नहीं खींचेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड प्लम्प ही रखेगा. ये आपके फेस के लिए एक अच्छा हाइड्रेटिंग क्लेंजर बन सकता है. फेस वॉश करने के बाद आपको अपने फेस पर अप्लाई करनी है एलोवेरा जेल. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आस्था बेरी एलोवेरा जेल. सो एलोवेरा के बेनिफिट्स फायदे में तो आपको बताने की नीड तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर एंड ग्लोइंग बनाता है, आपके जो पोर्स होते हैं उन्हें टाइट करता है, स्किन को टाइट रखता है, ऑल्सो स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग रखता है ऑल डे लॉन्ग. ऑल्सो अगर आपकी स्किन में कोई टैनिंग हो गई हो तो उसको भी ये हटाता है. सो एलोवेरा बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए. सो फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे, और अगर आप चाहें, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके फेस पर आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं. इसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं, अगर आपके फेस पर कोई ब्लैक हेड्स हो गए हो तो आप उसे कैसे हटाएंगे. उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टा बेरी राइस ब्रांड स्क्रब. ये जो स्क्रब है आपके फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट तो करेगा ही, पर जितने भी आपके फेस पर डेड स्किन सेल्स हैं वो सब हटा देगा. राइस जो होता है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन को क्लियर एंड ब्राइट करने के लिए. सो इसमें है ऑलिव ऑयल एंड कुकुम्बर जूस भी, जिससे जो आपकी स्किन है उसका सन टैन हटेगा, आपकी स्किन के पोर्स को, सारे क्लॉग पोर्स को ये हटाएगा. सो ब्लैक हेड्स के लिए अपनी या फिर अपनी स्किन को पूरी डर्ट से डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप इसे ट्वाइस अ वीक जरूर यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं हम लोग नाइट स्किन के रूटीन की. तो नाइट स्किन के रूटीन के लिए मैंने यहाँ पर चूज किया है आपके लिए आस्था बेरी वाइन फेस वॉश. ये तो बहुत ही अच्छा क्लेंजर है आपकी स्किन के लिए, तो ये तो आप जरूर यूज करेंगे. दिन में जब आप कहीं भी बाहर से आते हैं या फिर अगर आप पूरे दिन घर पे हैं तो भी आपको अपना फेस क्लीन करना जरूरी है, और इसे फेस क्लीन कर सकते हैं आप. सो गाइस, फेस को क्लीन कर लिया आपने, अब इसके बाद जब आप रात को सोएंगे आपकी स्किन को 8 आवर्स की स्लीप मिलेगी, तो आपकी स्किन को अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन क्लियर और ग्लोइंग बनेगी. तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ आस्था बेरी एलमंड एंड एलोवेरा ऑल पर्पस क्रीम. ऑल्सो इसमें है विटामिन ई एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट, जिससे क्या होगा आपकी जो स्किन है काफी ज्यादा क्लियर बनेगी. आपकी स्किन जो होती है अगर उसमें डार्क पैचेस हो गए हैं कहीं से वो भी हटेंगे. ऑल्सो आपकी स्किन जो होती है, आपको अगर क्रिस्टल क्लियर स्किन चाहिए तो अपने फेस पर अच्छी क्रीम्स, अच्छे प्रोडक्ट्स अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा. एंड यस गाइस, ये प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के लिए ले गई हूँ जो कि है बिल्कुल अफोर्डेबल. सो आपने अपने चेहरे का तो पूरा ध्यान दे लिया, बट आपकी बॉडी का ध्यान कौन देगा. अगर आप लोग अपनी बॉडी पे रोज सोप लगाते हैं तो उसको मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है, चाहे कितनी भी सर्दी या कितनी भी गर्मी हो. मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी यूज करना एस्टा बेरी कोकोनट बटर मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन. ये जो लोशन है ये कोकोआ बटर है, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा जो आपकी स्किन है वो ब्राइटन भी होगी एंड क्लियर बनेगी. सो ये बॉडी लोशन काफी अच्छा है, काफी अफोर्डेबल रेंज में है. सो गाइस, सोप अप्लाई करने के बाद आप लगाएंगे बॉडी पर कोकोआ लोशन. उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है वो रेडिएंट एंड ग्लोइंग बनेगी. सो ये चीज आप जरूर ट्राई करें. सो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ आपको, जो मैं आप लोगों के लिए चूज करके लेके आई हूँ, उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं. और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं अंडर ₹100. सो यस गाइस, अगर आपका बजट कम है और आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, तो आप अंडर ₹100 के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. डेफिनेटली जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली बाय कर लें. तो गाइस, आई होप आपको ये स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा हो, इजी एंड अफोर्डेबल है. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए. आज जिस गर्ल का नेम मेरी वीडियो में लूंगी वो है चैताली मनगर. सो शाउट आउट टू यू गर्ल. और अगर आप लोग चाहते हैं आप सब मेरे किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट कर लें डन. इससे मैं आप सब मेरे किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूंगी. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.